Very good afternoon, students. Let's we start a new topic, that is transcription in eukaryotic cell. Yeah, transcription in eukaryotes. हमने last video में transcription in prokaryotes पढ़ा था. आज हम transcription in eukaryotes पढ़ेंगे. Transcription हमारे prokaryotes में कोई special periods में नहीं होता. मतलब cell division वहाँ particularly interphase, metaphase, interphase and M phase में divide नहीं होती है. यहाँ हमारी सेल्स जब डिवाइड करती है तो उसके दो मेजर फेज होते हैं, एक इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज. सो इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दिस ट्रांसक्रिप्शन अकर इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल? सेल साइकिल तो ये इंटरफेज के G1 और G2 फेज में होता है. So transcription occur in G1 and G2 phase in eukaryote cell. It occurs, yeah, it takes place in G1 and G2 phase of cell cycle. In eukaryote. ठीक है, ये हमारी सेल जब इंटरफेज के G1 और G2 फेज जब आता है, S फेज में नहीं होता. ध्यान रहे, S फेज में रेप्लिकेशन ही होता है. बट ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है भाई सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. तो वो डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस कौन से फेज में हो रही है? तो दैट अकर इन G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल. अब हमें ये भी, हमने लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ा था कि हमारे प्रोकैरियोट्स में तो ओनली वन पॉलीमरेज कौन, सिर्फ एक ही एंजाइम होता है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर आर, और ये हमारे जो आरएनए पॉलीमरेज हैं, यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रोनिक टाइप स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं विच कोड्स मैनी प्रोटीन चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज मोनोसिस्ट्रोनिक विच कोड्स ओनली या विच इज सिंथेसाइज या विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ आरएनए ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स, दिस इज द यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स हैविंग आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. अब मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में या जब हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स करेंगे तो यहां पे देखेंगे कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किसकी सिंथेसाइज करता है. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए सिंथेसाइज कर देता है. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हमारा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है. इट सिंथेसाइज या इट ट्रांसक्राइब आरआरएनए. ठीक है, इट ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए. और कौन से टाइप्स के आरआरएनए? 28S, 18S एंड 5.8S. सो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए. आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, इट ट्रांसक्राइब्स mRNA या precursor of, it transcribes the precursor of mRNA. You can say precursor of mRNA is hnRNA. RNA polymerase first, RNA polymerase first is responsible for transcription of rRNA.
that is 28 as type, 18 as and 5.8 as. Second, RNA polymerase, second. It is responsible for transcribe precursor of, for transcribe, yeah, it transcribes precursor of, precursor का मतलब क्या होता है भाई, पहले का, precursor of mRNA, that is, कौन है ये precursor mRNA का, hnRNA. अब जानते हैं प्रीकर्सर, प्रीकर्सर क्या होता है, प्रीकर्सर होता है प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, मतलब एमआरएनए तो बाद में बनेगा, है ना, एमआरएनए तो बाद में बनेगा, उससे पहले क्या बन रहा है, उससे पहले फंक्शनल एमआरएनए नहीं बना था, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए, हेटरोजीनियस आरएनए. और यहां पे ये एचएनआरएनए है, ये हमारे एमआरएनए का प्रीकर्सर है, पहले का स्ट्रक्चर. अब तो हम मेनली तो यही पढ़ रहे होते हैं. नाउ थर्ड इज आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टी आरएनए. आपको पता है ना आरएनए हमारा तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का नहीं होता, मेजरली थ्री टाइप्स का होता है, वैसे कई टाइप का होता है. तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, या इट ट्रांसक्राइब्स टी आर एन ए, दैट इज ट्रांसफर आर एन ए, इट ट्रांसक्राइब टी आर एन ए, 5SRRNA, SNRNA, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए. तो ये हमारे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो हमारे यूकैरियोटिक में डिफरेंट डिफरेंट आरएनए की सिंथेसिस के लिए जाने जाते हैं. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, दैट इज ट्रांस, दैट ट्रांसक्राइब आरआरएनए. आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, दैट ट्रांसक्राइब्स प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके. एंड थर्ड इज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, दैट दैट ट्रांसक्राइब tRNA. तो आप ये कह सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है ना, जिसको जनरली हम ये बोलते हैं कि इट इज, सेंट्रल डोगमा में भी लिखा हुआ होता है कि इट इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो, जिससे डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, फिर उसके बाद डीएनए से एमआरएनए बनेगा. नहीं, एमआरएनए अकेला नहीं बनता. यहां पे देख रहे हो आप, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, दीज कॉड्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ All types of different different polymerases are here. All types of RNA. कौन सा polymerase किसके लिए जाना जाता है वो आप देख लीजिए. तो आगे चलते हैं. Eukaryotes में हम कैसे steps हमारी आगे initiation, elongation, क्या यहाँ पे भी ऐसे ही होती है? Yes, of course. There is also three steps of transcription process in case of eukaryotic cell. जैसा कि हमने प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स कर रहे थे तब किया था. स्टेप्स हैं वो कौन सी हैं? इनिशिएशन, सेकंड इज इलोंगेशन, थर्ड इज टर्मिनेशन. यही तीनों स्टेप्स हमने अपने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में की थी. कौन कौन सी? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक ये था कि ये हमारे इनिशिएशन को इनिशिएट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का फैक्टर था इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जिसे हम सिग्मा फैक्टर बोलते हैं. सिग्मा फैक्टर, this sigma factor was present, yeah, is present in case of transcription of prokaryotes. But what about and termination? Elongation to ho hi raha tha. Termination ke case mein raw factor tha. Raw factor. These are special factors,
रो फैक्टर, टर्मिनेटर, सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर भी कहा जाता है और रॉ फैक्टर को टर्मिनेटर फैक्टर भी कहा जाता है, तो क्या हमारे यूकेरियोटिक सेल में भी ये फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं? नो, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर इन केस ऑफ यूकेरियोट्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सिंपल फैक्टर्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन एंड एक्टिवली दैट आर नोन एज इनिशिएशन करवाएंगे, इनिशिएशन फैक्टर जो इलोंगेशन में हेल्प करेंगे, जो फैक्टर्स उन्हें क्या बोला जाएगा, दैट आर नोन एज इलोंगेशन फैक्टर। एंड लास्ट इज टर्मिनेटर फैक्टर, या यू कैन से टर्मिनेशन फैक्टर। यहां पे इनिशिएशन फैक्टर हमारे रिएक्शन को, हमारे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट होने में, हमारे फिनोमेना को इनिशिएट होने में हेल्प करते हैं, इलोंगेशन उसको प्रोसीड होने में हेल्प करते हैं, एंड टर्मिनेशन उसको वहां पे रोक देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोक देते हैं। कलेक्टिवली इनको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब आप ये जानते हैं कि हमारा न्यूक्लियस, हमारे यूकैरियोटिक सेल में बहुत अच्छा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए मटेरियल होते हैं, वहीं पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। लेकिन इसके अलावा हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियोप्लास्ट एज वेल एज इट ऑल्सो टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। हमारे यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म, हमारे प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा था दैट अकर इन साइटोप्लाज्म, यू कैन से साइटोसोल, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। आप भी ये चीज 9th क्लास से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियस में अपना डीएनए होता है, इनके अलावा न्यूक्लियस के अलावा हमारी यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लस प्लांट सेल में प्लास्टिड में भी पाया जाता है। तो अगर डीएनए यहाँ पे इन सब ऑर्गनले में पाया जा रहा है तो इट मींस डीएनए वहां ट्रांसक्राइब जरूर होगा। तो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल के केस में होता है और यहाँ रिएक्शन को या इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को शुरू करने वाले, इलोंगेट करने वाले और स्टॉप करने वाले फैक्टर्स होते हैं जिनको कलेक्टिवली व्हाट वी कॉल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। These are elongation factors and this is a 3 prime to 5 prime
and this is 5 prime to 3 prime. So let's we make this diagram large, because strand हमारा कौन सा होना चाहिए, 3 prime 5 prime होना चाहिए ना, जिसके विच सिंथेसाइज या विच कोड सपोर्ट द एम आर एन ए. सो इट विल बिकम लाइक दिस. दिस इज 3 prime 5 prime टू 3 prime एंड दिस इज 3 prime टू 5 prime एंड हियर दिस आर इलोंगेशन फैक्टर. And this is the newly synthesized or nascent mRNA, you can say. These are the base pairs. This is the 5 prime and it is continuing. ये जो हमारी reaction है, ये हमारी जो हमारा diagram है, ये क्या बता रहा है? ये हमारा diagram वही कि ये 5 prime end है and this is the 3 prime एंड लास्ट इज 5 prime. तो यहाँ ये हमारा नया एम आर एन ए बन रहा है एंड दिस एम आर एन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आगे जाके यही हमारा एम आर एन ए है. ये अभी फिलहाल फंक्शनल एम आर एन ए नहीं है, ये हमारा हेट्रोजीनियस एम आर एन ए हेट्रोजीनियस आर एन ए है और यहाँ पे बहुत सारे कैपिंग, बहुत सारे फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती हैं. ये हमारी मान लीजिए इंट्रोन है, इंट्रॉन्स, इंट्रॉन एंड दीज आर द फंक्शनल यूनिट एंड दैट फंक्शनल यूनिट ऑफ दिस स्ट्रैंड इज नोन एज एक्सॉन. सो जो हमें नेसेंट आरएनए मिलता है that is made up of functional unit and non functional unit and functional unit. You can say these are unwanted segment these are, and these are wanted ya useful wanted segments. These wanted segments are known as exon. एक्सॉन दीज आर एंड अनवॉन्टेड सेगमेंट्स जिनके कोई जरूरत नहीं है लेकिन ये इंट्रोन्स हैं, ये हमारे आरएनए वर्ल्ड को बहुत ज्यादा डोमिनेंसी प्रोवाइड करवाते हैं. यहाँ एक्सॉन वर्ड एक्सॉन्स हैं, ये वॉन्टेड सेगमेंट्स हैं एंड दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एचएनआरएनए. यहाँ जैसे ही हमारी रिएक्शन शुरू होती है, इनिशिएशन रिएक्शन एंड देन आफ्टर उसमें इनिशिएशन फैक्टर हेल्प करते हैं, देन आफ्टर इलोंगेशन, इलोंगेशन फैक्टर हेल्प करते हैं एंड जब हमारे फैक्टर्स टर्मिनेशन फैक्टर आते हैं तो हमारा सारा का सारा ये स्ट्रैंड हमारे डीएनए के स्ट्रैंड से सेपरेट हो जाता है एंड दिस सेपरेटेड आरएनए और नेसेंट आरएनए इज नोन एज एचएनआरएनए. एचएनआरएनए this hnRNA is heterogeneous nuclear RNA and this is why this is heterogeneous, because it is made up of two segments, unwanted segments and wanted segments. Unwanted segments are known as introns, okay, and wanted segments are known as exons. to yahan ye hamare jo introns hain इनको यहाँ से इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. अदरवाइज अगर ये रिमूव नहीं होंगे तो हमारे न्यूक्लियर हमारा कौन सा एच एन आर एन ए ही बना रहेगा और हमारा फंक्शनल एम आर एन ए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी. सो रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स फ्रॉम एक्सॉन इज नोन एज स्प्लाइसिंग, फ्रॉम एच एन आर एन ए इज नोन एज स्प्लाइसिंग. तो यहां जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन बना ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस
first precursor of mRNA formed, and this precursor of mRNA is hnRNA, which is made up of two units, exons and introns. Exons से और introns से बने हुए हैं ये. अब यहां ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये सब कहां हो रहा है? दीज ऑल स्टेप्स अकर इन न्यूक्लियोप्लास्म. नाउ दिस hnRNA विल कन्वर्ट इनटू mRNA. How it will convert into mRNA? यहाँ hnRNA के जो hnRNA है, ये जब mRNA में convert होगा तो यहाँ three steps होती हैं जो इसको mRNA में convert करती हैं. First is capping, second is tailing, and third one is splicing. Splicing. Capping में देखिए, अब आपको पता है कि हमारा जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ डीएनए से, हमारा जैसे ही hnRNA बना तो उसकी दो फंक्शन, दो यूनिट हैं, एक वांटेड दूसरी अनवांटेड, लाइक दिस. दीज आर एक्सॉन एंड सेकेंड वन इज इंट्रॉन. ये हमारा सिंगल स्टैंड है mRNA का, hnRNA का. अब यहां सबसे पहले हम स्प्लाइसिंग, लास्ट में स्प्लाइसिंग होगा. यहां सबसे पहले कैपिंग में, जैसे आप जानते हो कि कैप, ये कौन सा एंड था, दिस वाज द 5' एंड दिस वाज 3', एंड तो यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियोप्लास्म में बहुत सारे ग्यूनाइन, मिथाइल ग्यूनाइन, ट्राइफॉस्फेट यहां ऐड हो जाएंगे. And they will form a protective part, and that protective part is guanine rich, and you can indicate this MGPPP, methyl guanosine triphosphate. यहाँ पे बहुत सारे methyl guanosine triphosphate यहाँ 5' पे end पे ligate करेंगे, जुड़ जाएंगे, और यहाँ इस पूरे hnRNA को एक प्रोटेक्टिव पार्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि इस हिस्से को या इस hnRNA को हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस एंजाइम से बचा के रखता है. इट प्रोटेक्ट hnRNA फ्रॉम मैनी न्यूक्लियस या न्यूक्लियस एंजाइम्स, एज वेल एज जब ये हमारा आगे जाके mRNA स्ट्रैंड ये बनेगा, तो इसको ये जो हमारा 5-methyl, दिस इज नॉट 5-methyl, सॉरी, मिथाइल ग्यूनाइन ट्राइफॉस्फेट एडिशन ऑफ दिस प्रोवाइड अ कैप, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कैपिंग. दिस कैप प्रोटेक्ट द होल स्ट्रक्चर बाय न्यूक्लियस एज वेल एज जब हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, तो ये हमारे राइबोसोम यूनिट के अंदर जाने में या एंट्री करने में भी हेल्प करते हैं. सेकंड इज टेलिंग. अब आप जानते हो कि ये तो कैपिंग तो हो गई, अब क्या होगा, टेलिंग. तो क्या टेल है? टेल है, वो भी ग्यूनाइन से बनेगी? नहीं, टेल कहां बनेगी? 3' पे. कैपिंग कहां हुई थी? 5' पे. अब ये जो टेल बनेगी, ये किससे बनेगी? दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीएडेनाइलेशन. एज अ नेम इट इज इंडिकेटिंग दैट देयर एट द 3' एंड देयर आर मैनी एडेनिन या एडेनेट विल एड, एंड अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 एडेनिन ग्रुप अटैच हेयर, एंड दे प्रोवाइड अ स्टेबिलिटी. विच टाइप ऑफ स्टेबिलिटी? इट प्रोटेक्ट द होल hnRNA बाय द डिग्रेडेशन, या इट प्रिवेंट द होल hnRNA बाय द डिग्रेडेशन ऑफ एक्सोन न्यूक्लियस एंजाइम.
इनको कभी एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम आके यहाँ से कट ना कर दे, इसीलिए यहाँ हमारी पॉली एडेनाइलेशन हुआ। तो आप याद रखिए जो कैपिंग है वहां पे बहुत सारे ग्यूनाइन अटैच हुए, ओके, ग्यूनाइन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्यूनाइन ट्राइफॉस्फेट, और कौन से एंड पे, कौन से फाइव प्राइम एंड पे, वो उन्होंने क्या किया, फाइव मिथाइल, ये जो सॉरी ये मिथाइल ग्यूनाइन ट्राइफॉस्फेट हैं, ये क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस एंजाइम से बचा के रखते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेशन में ये जो हमारा एमआरएनए स्ट्रैंड हमारे राइबोसोमल के साथ बाइंड अप करता है, पॉलीराइबोसोम बनाता है, तो भी हेल्प करते हैं। और सेकंड जो लास्ट है, लास्ट स्ट्रैंड है, दैट इज थ्री प्राइम एंड, और वहां पे भी बहुत सारे एडेनाइन, कम से कम 200-300 एडेनाइन वहां आके अटैच हो जाते हैं, और जो प्रोसेस है वो पॉली एडेनाइलेशन कहलाता है। तो दोनों ही हमारे एंजाइम से हमारे एचएमआरएनए को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब अगर ऐसा नहीं होता तो एंजाइम्स इनको बहुत जल्दी एंजाइम्स इनको काट देते और हमारा ना ट्रांसक्रिप्शन पूरा होता, ना ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होता, तो ट्रांसलेशन क्यों होगा। तो अभी एचएमआरएनए से तो एमआरएनए बनेगा ना। अभी इसकी दो स्टेप्स हुई हैं, थर्ड स्टेप है दैट इज द स्प्लाइसिंग। तो यहां देखिए स्प्लाइसिंग है, इट इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स मीन्स दीज आर एग्जॉन एंड दीज आर इंट्रॉन्स। रिमूवल ऑफ दीज इंट्रॉन्स फ्रॉम दिस एचएनआरएनए से अगर इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, ये ऐसे ही रिमूव नहीं होते, ये बाय लूप मेथड रिमूव होते हैं, और इनको रिमूव करते हैं वो होते हैं स्पेशल टाइप के प्रोटीन, दैट इज स्नर्प्स, SNRANPS, दैट इज स्नर्प्स। एंड ये इंट्रॉन्स यहां से रिमूव हो गए, और रिमूव कैसे हो रहे हैं, बाय दे फॉर्म बाय लूप मेथड्स लाइक दिस। दीज लूप्स, व्हाट दीज आर, दीज आर अनवांटेड सेगमेंट्स, दैट अनवांटेड सेगमेंट्स आर इंट्रॉन। इंट्रॉन्स लूप मेथड के थ्रू कॉइलिंग, ऊपर कॉइलिंग, ये अनवांटेड कॉइलिंग है, और यहां पे जैसे ही ये सारे के सारे लूप मेथड बनाते हैं तो हमारे एक्सॉन्स हैं ये पास आ जाते हैं, दे लाइ क्लोज टू ईच अदर, एंड दिस इज द लूप ऑफ इंट्रॉन्स, दिस इज द लूप ऑफ इंट्रॉन्स एंड लूप ऑफ इंट्रॉन्स, एंड दिस इज थ्री प्राइम एंड। नाउ ये लूप बनेंगे और फाइनली यहां से ये रिमूव हो जाएंगे, यहां से ये रिमूव हो जाएंगे, और हमारे लिगेज एंजाइम है, वो लिगेज एंजाइम क्या करेंगे, लिगेज एंजाइम यहां पे इनको दोनों यूनिट को आपस में एक्सॉन एक्सॉन को लिगेट कर देंगे, जोड़ देंगे, और एक हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा विच इज फाइव प्राइम एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय मिथाइल जीपीपी एंड हियर पॉली एडेनाइलेट एडेनाइलेशन या पॉली एडेनाइलेट, दिस इज थ्री प्राइम एंड। ये इट प्रोवाइड कैपिंग, इट प्रोवाइड कैप पार्ट ऑफ द, नाउ दिस इज वॉट, दिस इज एमआरएनए, दिस इज नॉट एचआरएनए, क्योंकि यहाँ पे एचएनआरएनए तो है ही नहीं, वो तो एक्सॉन और इंट्रॉन का सेगमेंट था ना, वो तो टूट गया, इंट्रॉन्स इंट्रॉन्स रिमूव हो गए, एंड दिस होल पार्ट इज मेड ऑफ एक्सॉन, सारे एक्सॉन्स आपस में एड हो गए, एक्सॉन एक्सॉन एंड एक्सॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एमआरएनए, यहाँ पे ये इसकी फंक्शनल यूनिट है। तो यहाँ ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स है, फाइनली हमारा एमआरएनए की सिंथेसिस हो गई फ्रॉम द डीएनए। नाउ दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस योर प्रॉब्लम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।